हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका भी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बसीराम मखान। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ब्रोइंग के सिस्टम में एक टैंक मतलब एक मोटर रहेगा और दो टैंक रहेगा, लेकिन दो टैंक पानी अलग अलग खाली होएगा और लेकिन पानी भरेगा एक साथ दो टैंक में। आप लोगों को ये ड्रॉइंग रेडी है, देख लीजिए, इसमें समझाऊंगा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे भाई को ये चीज समझ में नहीं आता है। दो तीन तरीके से समझाऊंगा, वीडियो काफी छोटा बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ड्रॉइंग पहले से रेडी कर चुका हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्ट में मैं आप समझा सकूं। और ऐसे ही अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और उधर मैसेज करिए, आप लोगों को उधर तो जवाब दूंगा। फिर अगर उसका वीडियो बनाने का ऐसा प्रयास हो तो जरूर बना दूंगा, और फिर कुछ नहीं है। और वीडियो अच्छा लगता है जो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और गलत लगता है तो जरूर डिसलाइक करिए और बताइए। तो चलिए ड्रॉइंग में ही चलते हैं, उधर पूरा समझाते हैं अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो है अपना ड्राइंग है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा क्योंकि मैं ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदा बनाता हूँ। तो इसमें आप लोग सबसे पहले इस सब थोड़ा सा ये हो चुका है क्योंकि ये जो पेन था थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मेरा हाथ वाथ भी, आप देख सकते हो। फिर दूसरा पेन लिया हूँ इसके वजह से, क्योंकि वो जो पेन था चल नहीं रहा था। इस सब में लिखा हूँ, देख लीजिए, अब बाथरूम लिखा हूँ लेकिन इस सब दिखाई नहीं दे रहा है बराबर। जैसे कि समझ लीजिए फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, या फिर ये ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर कुछ भी हो समझ लीजिए। इसमें मैं दो टैंक रखा हूँ, देख लीजिए, इसमें दो जो टैंक है, एक टैंक क्या होएगा आपका सेकंड फ्लोर में आएगा, ओके, पानी खाली होएगा बाथरूम के लिए, नॉर्मल बाथरूम के लिए, कुछ भी बाथरूम हो सिर्फ सेकंड फ्लोर के लिए एक टैंक यूज होएगा। और एक टैंक जो है उसका जो लाइन है, देख लीजिए ये जो आ रहा है ये वाला, वो आपका फर्स्ट फ्लोर में आके यूज होएगा, मतलब नॉर्मल जितना भी फर्स्ट फ्लोर में बाथरूम वगैरह जो भी है उसमें यूज होएगा, अब इसमें यूज होएगा। लेकिन इस दोनों का टैंक अलग अलग है, मतलब इनको जितना पानी चाहिए 1000 लीटर में, इनको जितना टाइम चलाना है चलाते रहेंगे, और इनको जितना टाइम चलाना है चलाते रहेंगे, जो जिसका प्राइवेट टैंक लगाए हुए है। लेकिन इसमें क्या होता है, मोटर मोटर मतलब जो मोटर का लाइन है वो एक ही है, मतलब एक ही मोटर से दो टैंक में पानी भरेगा। अब क्या होएगा, कभी कभी ये जो लास्ट वाला लाइन आप देख रहे हो, ये वाला जो है ये मोटर का लाइन है, ओके, ये आपका जाके टैंक में कनेक्शन होएगा। लेकिन आप क्या होएगा, इसमें जब टैंक में आप कनेक्शन करोगे दो में, क्योंकि ऐसे लाओगे आप, इसमें लाने के बाद इधर टी मार के इसमें कनेक्शन, फिर इधर लेके आके एल्बो मारोगे, तो किसी में पानी ज़्यादा गिरेगा किसी में कम गिरेगा। आप कभी कौन सा ज़्यादा इसमें अगर गिरता है तो ये जल्दी भर जाएगा, फिर ये क्या होएगा आपका धीरे 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 भरेगा और इसका ओवरफ्लो होता रहेगा और चालू होता रहेगा। फिर आप क्या करोगे, मोटर जो है उसका स्विच बोर्ड वो आप बंद कर दोगे, फिर इसका पानी खाली का खाली रह जाएगा, मतलब समझ लीजिए 70% भर गया, लेकिन इनका फुल हो गया और मोटर आप बंद कर दिए, क्योंकि इसका आपका ओवरफ्लो आप जो लाइन दे दिए हो वो आपका क्या होएगा, इसका जो आप ओवरफ्लो लाइन दिए हो, क्योंकि इसका पहला भर चुका है, अब ये जो है आपका ओवरफ्लो हो गया, आप मोटर बंद कर दिए तो इनका खाली रह जाएगा। तो इस सिस्टम में आपको दो तीन तरीका सिस्टम बताऊंगा। एक जो है सबसे पहला शॉर्ट सिस्टम, जो अगर टैंक नजदीक रहता है एक साथ ऐसे दो टैंक, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, जैसे कि ये लाइन आया है देख लीजिए आप, ओके, मैं इसको नजदीक ले लेता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऐसा आया लाइन, ये वाला मोटर का लाइन है, ऐसा आया, इधर टी मारे हो इसके अंदर आ गया, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, इतना स्टाइलिश ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ। और एक आ रहा है ऐसा, इसमें घुस गया, ओके, इसमें आके ये गिर गया, आप क्या होएगा, आप इसमें आपको करना क्या है, अगर टैंक ऐसा ही नजदीक रहता है, सिंपल सा है, आपको दो टैंक में ओवरफ्लो देना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका पानी इंटरकनेक्शन तो आपको करना ही नहीं है क्योंकि दो टैंक अलग अलग है, लेकिन ऊपर तो आप इंटरकनेक्शन कर सकते हो, ऊपर से आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये जो लाइन है ना आपका, इधर आपको इंटरकनेक्शन करना है, ओके, दो टैंक अगर एक ही लेवल में बैठा है, इधर इंटरकनेक्शन करना है और यूनियन हो सके तो इधर दे दीजिए, बेस्ट रहेगा। आप इंटरकनेक्शन किस लिए करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो टैंक है आपका, जो ये जो पानी भर रहा है, ओके, पानी भरता है, अगर ये पहले भर गया समझ लीजिए, ये जो पहले भरा, इधर से पानी आपका फिर इधर गिराएगा, उसमें गिरता है गिरने दो, फिर इसमें भी गिरता है गिरने दो, उसके बाद आपको इसमें ओवरफ्लो इधर से निकाल दीजिए, खेल खल्लास, जब इसका लेवल से ये थोड़ा सा हाइट होना चाहिए, ओके, इसका जो इंटरकनेक्शन करते हो इससे 1.5 इंच ये हाइट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, 1 इंच 1.5 इंच हाइट रखना चाहिए। इसमें हो जाएगा तो आपका ये टैंक भी भर जाएगा
अब ये टैंक भी भर गया, समझ गए आप, ये दोनों टैंक तो भर गया, लेकिन इसका दोनों में से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भरने के लिए ये दोनों सपोर्ट करते हैं, खाली करने के लिए जो जिसका प्राइवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर है पानी, जब आपका खाली होता है नीचे से खाली होता है, ऊपर का कोई जरूरत नहीं है। अब जिसमें भी जितना कम गिरे ज्यादा गिरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करोगे उसके बाद ये ओवरफ्लो जब गिरेगा, आप समझ गए आपका दो टैंक में पानी भर चुका है, सिंपल सा है। और एक आइडिया है, समझ लीजिए, आपको बताता हूँ। और एक आइडिया क्या है, अगर आपका टैंक दूर रहता है, और ये जो चीज है आप लोगों को देखना पड़ेगा, मतलब इंटरकनेक्शन तो कर देते हो लेकिन ओवरफ्लो जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक बार टेस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब पानी चालू करो फिर दोनों टैंक भरने दो, उधर आपको रुकना है कौन सा टैंक पहले भर रहा है और कौन से टैंक में आपका सपोर्ट जा रहा है। ऐसा करोगे, जैसे कि ये टैंक मेरा पहले भर रहा है तो आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा, मेरा ये भर गया इससे हो कि इसमें पानी आ रहा है तो मुझे इसमें ओवरफ्लो देना पड़ेगा, अगर ये मेरा टैंक भर गया और इससे हो कि इसमें गिर रहा है तो मुझे इसमें ओवरफ्लो देना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम से आपको देखना पड़ेगा एक टैंक, क्योंकि दो टैंक आपका लेना देना बहुत अलग होता है, ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, माफ़ करिएगा। और एक चीज़ है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये भी ऐसा टैंक, सिंपली ये लाइन आया समझ लीजिए, ओके, इसमें आपको क्या करना है, अगर दूर दूर रहता है टैंक, मतलब काफी दूर है, आप इंटरकनेक्शन आपकी करने की वो ये नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, टूट भी सकता है, इसकी वजह से दूर है इंटरकनेक्शन कट दूसरा वाला में, अब दूसरा वाला में इंटरकनेक्शन कट हो चुका है, लाइन आपको ऐसे ही ले जाना है, इसमें ले जाना है, फिर आपको क्या करना है समझ लीजिए, ये आपका 1 इंच का लाइन आया टैंक का, इनलेट लाइन आया, एक में आपको बॉल कोक जो अंदर होता है, फुटबॉल जो बोलते हैं बहुत सारे भाई, जो पानी गिरता है और उसमें से एक ऐसा डंडे होके ऐसा होता है, ये पानी भरने के बाद ऐसे उड़ जाता है, ओके, इसे बॉल कॉक बोलते हैं, मतलब पानी भरता है धीरे धीरे भर जाता है, एक में बॉल कॉक लगाना है और एक में बॉल बल्ब जो आपके स्क्रीन के साइड में आ रहा है, ये बॉल बल्ब वो लगाना है इसके ऊपर, ये टैंक के ऊपर लगाना है, किस किस में कैसे लगाना है बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कौन सा टैंक में पानी फास्ट भर रहा है, दो टैंक में आप पॉइंट दे दिए हो, आपको क्या करना है, सिंपल सा है, अगर इसमें पानी भर जाता है जल्दी तो इसमें आपको बॉल कोक लगाना पड़ेगा, आप इसमें जो 1 इंच का लाइन में आपको 1.25 इंच का बॉल कोक लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 1 इंच का लाइन में आप 1 इंच का बॉल कोक लगाओगे ना, फिर वापस इसमें से ज्यादा इसमें प्रेशर दे देगा, इसके वजह से आपका इसमें से प्रेशर ज्यादा आ रहा है ना, तो इसमें ही आप बॉल कोक लगाइए, और 1 इंच का अगर लाइन है तो 1.25 इंच का बॉल कोक लगाने का कोशिश करिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर जो वाल आपको ऊपर देने बोला हूँ टी के बाद ये लाइन जा रहा है, और इधर आपको वाल देना बोला हूँ बॉल कॉक, ए सॉरी बॉल वाल, वो इसलिए देने बोला हूँ बॉल वाल, ताकि अगर इसमें प्रेशर कम हो रहा है फिर से इसमें ज़्यादा हो रहा है तो इसे आप 30% ऑफ कर दीजिए, फिर से आपका इधर प्रेशर बढ़ जाएगा और इधर कम जाएगा, और इधर जब पानी भर जाएगा फिर इधर आपका पूरा पानी आने लगेगा, फिर इधर भरेगा, फिर इधर से आप ओवरफ्लो दे दीजिए और निकाल दीजिए, काम कंप्लीट। बस उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, माफ करिएगा, और बस कुछ नहीं, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फिर मिलने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।